हेलो 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 एवरीवन, आप सभी लोगों को मैं तहे दिल से स्वागत करना चाहता हूँ टू दिस अमेजिंग अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ द वंडरिंग पाई। मैं हूँ आप लोगों का दोस्त, आप लोगों का होस्ट विश्व की बरसी। स्वागत करना चाहता हूँ टू दिस अमेजिंग अमेजिंग बैच ऑफ क्लास 9th, दैट इज टक्कर बैच 2024-25। आज इतने दिन के बाद हम लोग दोबारा से आ चुके हैं एक नया चैप्टर के साथ मैथमेटिक्स पर। और आज हमारा जो चैप्टर है बहुत ज्यादा हलवा चैप्टर है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बोला भी था, पॉलिनोमियल्स के प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बोला था कि पूरा चैप्टर बहुत ज्यादा हलवा चैप्टर है और बहुत ज्यादा इजी चैप्टर है। और इस चैप्टर को इसीलिए हम लोग आज वन शॉट में खत्म करने वाले हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, 1 घंटे से ज्यादा हो सकता है, बट 1 घंटा 30 मिनट से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, ओके। तो चलो बेटा, आज हम लोग पहले स्टार्ट कर देते हैं हमारे इस मजेदार से टॉपिक को। पहले तो बता दूं कि मेरे को कि आप लोग कैसे हो, क्या हाल चाल है आप लोगों के। और जो हमने जो टेस्ट लिया था आपके संडे में, ठीक है, संडे में मैंने आपका टेस्ट लिया था, दैट इज द नंबर सिस्टम टेस्ट। कितने लोगों ने दिया है, कितने लोगों ने नहीं दिया है, वो तो मुझे पता है। बाकी जितने लोगों ने दिया है उनके लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि वेरी गुड, वेरी गुड। मैंने देखा है भार्गव चंद्र लिल ने पहला स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, भार्गव चंद्र लिल ने पहला स्थान प्राप्त किया है। आई एम सॉरी अगर नाम गलत होगा तो, ठीक है, नाम गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो सॉरी, बट पहला स्थान प्राप्त किया है। बहुत ज्यादा इजी, मतलब बहुत ज्यादा अच्छा बात है ये, पहले टेस्ट में पहला स्थान प्राप्त करना और अपने स्थान को इस तरीके से ही रखना। ठीक है, स्थान को किसी को मत लेने देना। और जिन लोगों को ये स्थान नहीं मिल पाया है वो लोग ये स्थान प्राप्त करने के लिए और ज्यादा मेहनत करें। बाकी बहुत ज्यादा अच्छा टेस्ट किया है आप लोगों ने। मैंने देखा है को एक दो क्वेश्चन की गलती की वजह से आप लोगों का जो है मार्क्स थोड़ा सा कम हो गया है। कोई बात नहीं, टेस्ट तो ऐसे ही होते रहेंगे, गलतियां भी होता रहेगा। ठीक है, ओके, आगे भी बहुत सारे टेस्ट आएंगे आपके लिए। तो चलो बेटा देख लेते हैं हमारा कोट ऑफ द डे। और आप लोगों ने हम टेस्ट तो हमारी वेबसाइट में दिया होगा, वेबसाइट के अंदर हमारा वीडियोस वगैरह सब कुछ अपलोड होगा। ठीक है, ओके, तो हम लोग पहले इसको याद रखेंगे, वी विल रिमेम्बर। ये है हमारा कोट ऑफ द डे। और ये बोल रहा है कि हमको याद रखना चाहिए कि एक किताब यानी वन बुक, वन पेन यानी एक कलम, वन चाइल्ड यानी एक बच्चा, एंड वन टीचर यानी एक शिक्षक। ठीक है, एक किताब, एक कलम और एक बच्चा और एक शिक्षक कैन चेंज द होल वर्ल्ड। वो पूरे दुनिया को बदल के रख सकते हैं। ठीक है, ये था आप लोगों की कोट ऑफ द डे। ठीक है, इसीलिए अच्छा शिक्षक ही एक बच्चे को अच्छा बना सकता है। ठीक है, अच्छा जी, तो चलिए बेटा हम लोग शुरू करते हैं हमारा ये सेशन और देख लेते हैं कि हमारे इस लेक्चर के अंदर क्या क्या हम लोग आज करने वाले हैं। तो चलो देख लो बेटा कि इंट्रोडक्शन पहले देखेंगे, उसके बाद प्लानिंग करेंगे, उसके बाद कार्टेशियन सिस्टम देखेंगे और प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि चैप्टर का मतलब क्या है ना, कि चैप्टर का मतलब क्या है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। चैप्टर है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आप लोगों ने पहले नहीं सुना होगा, ज्योमेट्री का वर्ड सुना होगा बट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं सुना होगा आपने, आई थिंक। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, नोट बनाते हुए चलना। ठीक है, ज्योग्राफी मत लिखना मेरी तरह ज्योग्राफी मत लिखना, ज्योमेट्री लिखना। ठीक है, हाँ जी, वरना गलत हो जाएगा आपका, है ना, बिल्कुल ओके। तो देखो बेटा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री,
व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेट? कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है? कोऑर्डिनेट का मतलब है पॉइंट्स, ठीक है? कोऑर्डिनेट का मतलब है कुछ पॉइंट्स, और ज्योमेट्री का मतलब है लैंड मेजरमेंट। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं, क्या हम लोग बोल सकते हैं द मेजरमेंट यूजिंग पॉइंट्स इज नोन एज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? क्या हम लोग ये बोल सकते हैं, मेरे को बताओ। वही चीज इधर लिखा गया है बेटा, वही चीज इधर लिखा गया है कि ज्योमेट्री वर्ड कम्स फ्रॉम एंशियंट ग्रीक वर्ड ज्योमेट्रिया। ज्योमेट्री वर्ड कहां से आया है? एंशियंट ग्रीक वर्ड ज्योमेट्रिया, ठीक है, जिसका मतलब है लैंड मेजरमेंट, जिसका मतलब है कि लैंड को हम लोग मीजर कर रहे हैं, इसका मतलब यही है। ज्योमेट्रिया का मतलब यही है। एंड इट इज द स्टडी ऑफ लाइंस शेप्स इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के अंदर हमारे पास ये क्या है? मैथमेटिक्स के अंदर ज्योमेट्री का मतलब है कि हम लोग क्या, कि हम लोग कुछ लाइंस के बारे में स्टडी कर रहे हैं, कुछ लाइंस के बारे में स्टडी कर रहे हैं जिसका कलर क्या होगा, जिसका कलर व्हाइट होगा, नॉट नेसेसरीली व्हाइट बट व्हाइट होगा, ठीक है? मतलब मैंने ऐसे ही बोल दिया कि लाइंस का, कुछ परफेक्ट शेप्स का, चाहे वो परफेक्ट भी हो सकता हो, चाहे वो रेगुलर भी हो सकता हो, ठीक है, कुछ परफेक्ट शेप्स का, उसके बाद कुछ एटसेट्रा, एटसेट्रा यानी और भी बहुत कुछ, जैसे कि शेप्स हो गया, शेप्स जैसे लाइक रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, ठीक है, हाँ जी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ज्योमेट्री, दिस इज ऑल अबाउट ज्योमेट्री। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री द स्टडी ऑफ ज्योमेट्री यूजिंग पॉइंट्स, यानी ज्योमेट्री का मतलब हम लोगों ने क्या देखा कि स्टडी ऑफ लाइंस और शेप्स, यानी हम लोग जब पॉइंट्स के हेल्प से लाइंस और शेप्स को स्टडी करते हैं तो उस स्टडी को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। समझे? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, हाँ जी बिल्कुल। चलो आगे चलते हैं। हम लोग को तो ये पता है कि नंबर लाइन कैसे होता है, पता है ना, या फिर नहीं पता? अगर नहीं पता देख लो, नंबर लाइन कुछ ऐसा होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन होता है जिसका एंगल होता है 180 डिग्री, जिसका एंगल होता है 180 डिग्री। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ पॉजिटिव नंबर्स रहते हैं और यहाँ पर कुछ नेगेटिव नंबर्स रहते हैं और बीच में जीरो, विच इज नाइदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव, ठीक है? बिल्कुल भाई। अभी देखो, जीरो के बाद से वन शुरू, ऐसे होता है। हम लोगों ने पढ़ा है हमारे कौन से चैप्टर में, हम लोगों ने पढ़ा है नंबर सिस्टम, पहले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है इनके बारे में। इस नंबर लाइन को हम लोग एक और नाम से पुकारते हैं, पता है क्या नाम? पता है इसका नाम है रियल नंबर लाइन, इसका नाम है रियल नंबर लाइन, ठीक है, रियल नंबर लाइन। ओके ओके बेटा, बिल्कुल समझ में आ गया? हाँ जी समझ में आ गया। तो ऐसे ई दिखाई नहीं दे रहा था तो ई को अच्छे से लिख देता हूं मैं। ओके अच्छा, तो इधर मैं सपोज एक पॉइंट देता हूँ जस्ट वन के टॉप पर, सपोज आई एम टेकिंग ए पॉइंट हियर, सो हाउ कुड वी डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ द पॉइंट, हाउ कुड वी डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ द पॉइंट, हु कैन टेल मी कि हम लोग इस पोजीशन ऑफ द पॉइंट को किस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं? हम लोग इसको बोल सकते हैं ना कि इट इज ऑन द टॉप ऑफ द नंबर लाइन, सॉरी, या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं इट इज ऑन द टॉप ऑफ वन, है, बोल सकते हैं या फिर नहीं? इट इज जस्ट अबव वन, ठीक है, हम लोग इसको बोल सकते हैं कि ये
जस्ट वन के ऊपर है, जस्ट वन के ऊपर है, या फिर जस्ट को भी अगर हटा दोगे, जस्ट तो इधर अगर होता है पॉइंट में लगता है, जस्ट को भी अगर हटा दोगे सो आपका होगा इट इज ऑल सॉरी इट इज अबव वन, ठीक है ठीक है, इट इज अबव वन, ओके हाँ जी। अच्छा अब क्या करेंगे, अभी सपोज में यहां पर एक पॉइंट लेता हूं, कहां पर लूंगा, यहां पर लूंगा एक पॉइंट, ठीक है एक सेकेंड मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं तब एक अच्छा सा पॉइंट दिखेगा, यहां पर एक पॉइंट लिया मैंने, ठीक है यहां पर एक पॉइंट लिया, सो हाउ कुड वी डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ द पॉइंट, हाउ कुड वी डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ द पॉइंट, हाउ कुड वी डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ द पॉइंट, कैसे डिस्क्राइब करेंगे बेटा हम लोग इसको, कौन बताएगा मेरे को कैसे डिस्क्राइब करेंगे, मैं बताता हूँ, ठीक है मैं बताता हूँ कि कैसे डिस्क्राइब करना है इसको, हम इसको बोल सकते हैं, एक सेकेंड हम लोग इसको बोल सकते हैं कि इज बिटवीन between minus 3 and minus 2, it is between minus 3 and minus 2, okay minus 3 को थोड़ा सा मिटा कर इस साइड में ले आते हैं, minus 2, ठीक है हम लोग इसको बोल सकते हैं कि ये जो पॉइंट है ये minus 3 और minus 2 के बीच में है, ठीक है समझ में आ गया, हाँ तो ये पॉइंट कहाँ पर है, माइनस थ्री और माइनस टू के बीच में है, ठीक है ओके, या फिर और एक लिख सकते हो कि इट इज बिटवीन द अबव माइनस, इट इज बिटवीन अबव माइनस थ्री एंड माइनस टू, मतलब ये ऊपर के बीच में है, ऊपर के बीच में है, या फिर आप लोग इस पॉइंट को भी ले आ सकते हो नीचे, ठीक है पॉइंट को भी नीचे ले आ सकते हो लाइक यहाँ पर, देन आप लोग ये स्टेटमेंट भी बोल सकते हो, देन आप लोग ये स्टेटमेंट भी बोल सकते हो, ठीक है देन आप लोग ये स्टेटमेंट भी बोल सकते हो बिटवीन माइनस थ्री एंड माइनस टू, ठीक है। अच्छा जी अभी देखो, अभी हम लोग क्या करेंगे कि टाइप्स ऑफ नंबर लाइन को स्टडी करने वाले हैं, टाइप्स ऑफ नंबर लाइन को स्टडी करने वाले हैं, ये तो पता चल गया कि पॉजिटिव साइड कौन सा होता है और नेगेटिव साइड कौन सा होता है नंबर लाइन का पता चल गया, और ये एक्सटेंड होता है टिल इन्फिनिटी तक, ये एक्सटेंड होता है ये वाला साइड भी टिल इन्फिनिटी तक, मतलब माइनस इन्फिनिटी तक एक्सटेंड होता है, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी तक ये नेगेटिव इन्फिनिटी तक एक्सटेंड होता है। अच्छा अभी देखो, अभी हम लोग देखने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ नंबर लाइन, कितने टाइप्स ऑफ नंबर लाइन हमारे पास मौजूद है, हमारे पास दो टाइप्स ऑफ नंबर लाइन मौजूद है, एक है हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन, हॉरिजॉन्टल यानी ये वाला ठीक है, हॉरिजॉन्टल यानी ये वाला, और एक है वर्टिकल नंबर लाइन, और एक है वर्टिकल नंबर लाइन दैट इज लाइक दिस, ठीक है लाइक दिस, हमारे पास यही दो टाइप के नंबर लाइन है ना, हमारे पास यही दो टाइप के नंबर लाइन है, या फिर आप लोग बोल सकते हो रियल नंबर लाइन है। उसके बाद देखो, अच्छा रियल नंबर लाइन क्यों बोलते हैं बेटा, रियल नंबर लाइन क्यों बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पर सारे रियल नंबर्स लाई करते हैं, रियल नंबर्स यानी the combination of rational numbers and irrational numbers, so इसी number line के बीच में जितने भी तरह तरह के number हैं, real number sorry rational numbers और irrational numbers सारे lie करते हैं इसी एक number line के बीच में, इसीलिए इस number line को हम लोग बोल देते हैं real number line, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखो कि horizontal number line क्या होता है, कि हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन क्या होता है,
हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन का नाम है हमारे पास एक्स एक्सिस। इसका नाम क्या है? इसका नाम है एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस को हम लोग बोल सकते हैं एब्सिसा। ठीक है, एब्सिसा एक नया नाम आप लोगों ने सुना होगा। एक्स एक्सिस को हम लोग बोल सकते हैं एब्सिसा, एब्सिसा। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गया। नेगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स तो आप लोगों ने देख लिया कि नंबर लाइन में कहाँ लाए करते हैं। सो यही नंबर लाइन को मैंने दोबारा इधर लाया है ताकि आपका बेटर अंडरस्टैंडिंग हो कि पॉजिटिव नंबर मतलब एक्स एक्सिस कैसे होता है। ठीक है, एक्स एक्सिस कैसे होता है, इसको हम लोग कलेक्टिवली नंबर लाइन बोल देते हैं। एक्स एक्सिस इधर रहता है और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एक्स डैश। इसको हम लोग बोलते हैं एक्स डैश। ठीक है, एक्स डैश बोलते हैं हम लोग। समझ में आ गया बेटा? समझ में आ गया किसको एक्स डैश बोलते हैं, किसको एक्स एक्सिस बोलते हैं इन द केस ऑफ हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन। व्हेन वी हैव, ठीक है, व्हेन वी हैव वर्टिकल नंबर लाइन, जब हमारे पास वर्टिकल नंबर लाइन हो तो हम लोग क्या करेंगे, है, जब हमारे पास एक वर्टिकल नंबर लाइन होगा तो हम लोग क्या करेंगे बेटा? देखो, सिंपली हम लोग क्या करेंगे ना, इसको बोल देंगे वाई एक्सिस, वाई एक्सिस। ठीक है, और ये वाला पॉइंट हो जाएगा हमारा वाई डैश। ठीक है, वाई डैश, वाई डैश। ओके, डैश को कुछ ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, वो था एक्स डैश और ये है वाई डैश। बस आपको यही एक चीज याद रखना है, बस आपको यही एक चीज याद रखना है कि ये जो आपके पास नंबर लाइन रहता है, ठीक है, ऐसा आपके पास नंबर लाइन रहता है। आपने तो बोला कि मतलब आपने तो आप बोल रहे हो कि ऐसे ही तो हम लोगों ने सर, हम लोगों ने तो ऐसे ही पढ़ा है ना, हम लोगों ने तो ऐसे ही पढ़ा है, अब क्या करेंगे बेटा? देखो, आप लोगों ने ऐसे पढ़ा था और ऐसे ही है, क्यों है वो सब हम लोग आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सब कुछ जानेंगे, बिल्कुल भी अस्त व्यस्त नहीं होना है बेटा। ठीक है, सब कुछ धीरे धीरे पूरा होगा। आपको ये याद रखना होगा कि स्लो एंड स्टेडी ऑलवेज विंस द रेस। ठीक है, ओके। तो ये क्या है, ये है एक्स और ये है वाई। हर वक्त यही याद रखना है आपको, ये उलट पुलट नहीं करना है। मैं ये बार बार बोल रहा हूँ कि हर वक्त आपको यही याद रखना है। सपोज आपके पास ऐसा ही एक नंबर लाइन, ऐसा क्वेश्चन में आया नहीं होगा, एग्जाम में नहीं आएगा, बट मैं बोल रहा हूँ कि जनरल नॉलेज के लिए बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास कुछ ऐसा क्वेश्चन आएगा कि एक नंबर लाइन कुछ ऐसा दे देगा, ठीक है, ऐसा एक नंबर लाइन दे देगा, बोलेगा कि पॉइंट्स का नाम बताओ कि वाई एक्सिस कौन सा है और एक्स एक्सिस कौन सा है। ठीक है, पॉइंट्स के नाम बताओ, तो आप क्या करोगे बेटा, आप क्या करोगे, हैं, आप क्या करोगे ना, आप इनको डिस्क्राइब कर दोगे कुछ ऐसे करके। ठीक है, एक्स को यहाँ पर और वाई को यहाँ पर, या फिर वाई को यहाँ पर, सॉरी, वाई को यहाँ पर और वाई डैश इधर रहेगा। ठीक है, बिल्कुल बेटा समझ में आ गया। वाई डैश किधर रहेगा, वाई एक्सिस किधर रहेगा, इधर थोड़ा सा गलती हुआ है बेटा। ठीक है, वाई डैश रहेगा, वाई एक्स हटा दो इधर से। ठीक वाई डैश और इधर वाई एक्सिस। ओके, समझ में आ गया बेटा, आगे बढ़े। हाँ जी बिल्कुल, अभी हम लोग देखेंगे कि कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है ना, कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है। क्या हमारा ये उठेगा? नहीं उठेगा ना। फिर हम लोग एक और स्लाइड में देखेंगे कि कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है। ठीक है, कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है हम लोग देखेंगे। ओके, देखेंगे कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है, व्हाट इज द कार्टेशियन सिस्टम। ओके ओके, थोड़ा सा उधर दिख नहीं रहा था तो इसीलिए मैं इधर आ गया।
कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं है, बिल्कुल भी कोई बात नहीं है, है ना। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। बढ़ो आगे, बढ़ो आगे, बढ़ो आगे, बढ़ो आगे, बढ़ो आगे, बढ़ो। हम लोग को जाना है उस एक सेकेंड भाई, और थोड़ा सा आगे, और थोड़ा सा आगे, एक सेकेंड भाई, ये सारा आगे चला गया। अरे भाई, अरे हाँ, ये देखो, व्हाट इज दिस, दिस इज द कार्टेशियन सिस्टम। ओके, दिस इज द कार्टेशियन सिस्टम, ये देखो, जो कि मैंने आपको ड्राइंग करके बताया था। आपने क्या पढ़ा था? आपने नंबर लाइन का एक पहला छोर पढ़ा था। आप हर वक्त नंबर लाइन का एक पहला छोर देखते हो, ठीक है, नंबर लाइन का पहला छोर देखते हो। जैसे आपके पास ग्राफ आ गया, ग्राफ के अंदर आपको, आप कैसे करते हो, आप लोग ऐसा करते हो कि ग्राफ के अंदर, बिल्कुल है ना, ऐसा करते हो ना ग्राफ के अंदर आप लोग, कुछ ऐसा करते होगे आप लोग ग्राफ के अंदर, ठीक है। और लिखते होगे, ये वाला है 0, ये वाला है 1, ये वाला है 2, ऐसा करके लिखते होगे। ये आपके नंबर लाइन का पहला छोर है, आपके कार्टेशियन सिस्टम का, कार्टेशियन सिस्टम का पहला छोर है, पहला क्वाड्रेंट है, ठीक है, क्वाड्रेंट है। बिल्कुल भी क्या नहीं होना है, बिल्कुल भी वॉरीज नहीं करना है, ठीक है, बिल्कुल भी। एक सेकेंड, बिल्कुल भी वॉरीज नहीं करना है बेटा, ठीक है, ये आपका क्वाड्रेंट है। अरे यार, हाँ, ये आपका क्या है, ये आपका क्वाड्रेंट है, पहला क्वाड्रेंट, दिस इज दी फर्स्ट क्वाड्रेंट, यही है कार्टेशियन सिस्टम, बिल्कुल बेटा यही है कार्टेशियन सिस्टम। यह है पहला क्वाड्रेंट जहां पर आपका, जहां पर ये थोड़ा सा गलत है बेटा, थोड़ा सा गलत दिया गया है इधर, है ना, थोड़ा सा गलत दिया गया है, यहाँ पर माइनस नहीं रहते, यहाँ पर माइनस नहीं रहते, ठीक है, यहाँ पर माइनस नहीं रहते। एक सेकंड में इनको मिटाऊंगा कैसे भाई, मैं इनको मिटा देता हूँ। ओके, हेरा ब्लैक कलर, इनको मिटाओ भाई, मिटाओ भाई, मिटाओ भाई, ये नहीं होता, ठीक है, ये माइनस नहीं होता, ऐसे गलती बिल्कुल मत करना, ऐसे गलती बिल्कुल नहीं, ये सबसे बड़ा गलती है, ठीक है, जो कि सबसे होती रहती है, कॉमन गलती है, बट थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है बेटा, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है इसके बारे में, थोड़ा सा डेंजरस गलती है ये, है ना, सबसे हो जाती है। देखो ऐसा कुछ रहता है यहाँ पर, ये पॉजिटिव रहता है एक्स एक्सिस पर और नेगेटिव रहता है वाई एक्सिस, सॉरी पॉजिटिव रहता है वाई एक्सिस पर भी, ठीक है, या में या इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि पहले क्वाड्रेंट में, कार्टेशियन सिस्टम के पहले क्वाड्रेंट के अंदर सारे सारे क्या, सारे जो नंबर्स होते हैं पॉजिटिव में लिखे होते हैं, चाहे नंबर्स वाई एक्सिस में हो, चाहे नंबर्स एक्स एक्सिस में हो, तो न सारे नंबर्स हमारे पॉजिटिव में ही लिखे होंगे, ठीक है। अभी आते हैं दूसरे छोर पर, दूसरा छोर यानी दूसरा छोर क्या है, दूसरा छोर है हमारा, दूसरा छोर क्या है बेटा, दूसरा छोर है हमारा क्वाड्रेंट नंबर सेकेंड, ठीक है, क्वाड्रेंट नंबर सेकेंड। इसके अंदर आपके पास एक चीज आता है, इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर थोड़ा सा पढ़ने वाला चीज आता है, थोड़ा सा ध्यान याद रखने वाला चीज आता है, दैट इज माइनस रहता है एक्स एक्सिस पर, नेगेटिव रहता है एक्स एक्सिस पर और पॉजिटिव रहता है वाई एक्सिस पर। आप लोग जैसे कि देख सकते हो फिगर के अंदर, आप लोगों ने फिगर के अंदर देखा ना, आप लोगों ने फिगर के अंदर देखा ना, ये देखो, ये देखो बेटा, ये क्या है, ये क्या है, ये है हमारा एक्स एक्सिस। इस चीज को, ये पूरे पार्ट को भूल जा, ठीक
ठीक है, ये पूरे पार्ट को भूल जाओ, ये पूरे पार्ट को भूल जाओ, बस यही वाला पार्ट को ध्यान दो, बस यही वाला पार्ट को ध्यान दो। देखो -1 है, -2 है और -3 है, इधर 1 है, इधर 2 है और इधर 3 है। ठीक है, बिल्कुल बेटा समझ में आ गया कि नहीं आया? तो आप लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या क्वेश्चन, कि क्यों हम लोग माइनस लिख रहे हैं, इधर तो प्लस है, प्लस भी तो पहले लिख सकते हैं, माइनस क्यों पहले लिख रहे हैं? बिल्कुल बेटा ये सवाल कॉमन सवाल है, माइनस इसीलिए लिख रहे हैं ताकि हम लोग का एक रूल होता है, जब कार्टेशियन सिस्टम के अंदर हमको कोई भी कोऑर्डिनेट को डिनोट करना पड़ता है, हमारा एक रूल होता है, रूल यही होता है कि पहले एक्स एक्सिस पर जो भी नंबर है उसको लिखना पड़ता है, उसके बाद वाई एक्सिस पर जो भी नंबर है उसको लिखना पड़ता है। समझ गए? समझ गए बिल्कुल। हाँ जी, जैसे कि इधर बताया गया होगा कि मेरे को सपोज इधर एक पॉइंट होगा, मैं इनको मिटा देता हूँ, ओके दोबारा लिख देंगे, सपोज इधर एक पॉइंट होगा, हाँ सपोज इधर एक पॉइंट होगा, हाँ सपोज इधर एक पॉइंट होगा, बिल्कुल समझ में आया, इधर एक पॉइंट होगा, एक मिनट भाई, एक मिनट, एक मिनट, इधर एक पॉइंट होगा, हुआ पॉइंट, हुआ पॉइंट, थोड़ा सा यार गलती है इधर, पॉइंट हुआ। अच्छा तो इस पॉइंट को कैसे डिनोट करना पड़ेगा, इस पॉइंट को, ये पॉइंट सपोज पी है, पी पॉइंट को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे बेटा? ऐसे डिनोट करना है पी पॉइंट को, ऐसे डिनोट करना है कि एक्स एक्सिस पर जो नंबर है, एक्स एक्सिस पर कौन सा नंबर है, जस्ट नंबर -3 के ऊपर ही ये वाला पॉइंट है, और 1 के साइड में, 1 के बगल में ही ये वाला पॉइंट है। सो हम लोग कुछ इस तरीके से इसको डिनोट कर सकते हैं, इसको बोल सकते हैं -3 और 1, -3 और 1 जो कि सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा फॉल करेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में फॉल करेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट हमको बोलता है कि पहला नंबर रहता है हमारा नेगेटिव और दूसरा नंबर रहता है पॉजिटिव, बस समझ में आ गया? हाँ जी। अभी आते हैं हमारे कार्टेशियन सिस्टम के थर्ड पड़ाव पर, थर्ड छोर पर, ठीक है, यानी क्वाड्रेंट नंबर थर्ड, क्वाड्रेंट नंबर थर्ड, और आप इसको ऐसे घुमा फिरा के नहीं लिख सकते हो कि क्वाड्रेंट नंबर 1 ये है, क्वाड्रेंट नंबर 2 ये है, क्वाड्रेंट नंबर 3 ये है और क्वाड्रेंट नंबर 4 ये है। आप लोग सपोज लिख दोगे कि क्वाड्रेंट नंबर 1 यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे, क्वाड्रेंट नंबर 2 यहाँ होगा, क्वाड्रेंट नंबर 3 यहाँ होगा, क्वाड्रेंट नंबर 4 यहाँ होगा, ऐसे नहीं कर सकते, दिस इज ए यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक है, दिस इज ए यूनिवर्सल ट्रूथ, इसको आपको मानना पड़ेगा कि क्वाड्रेंट 1 जो है वही रहेगा क्वाड्रेंट 1, पॉजिटिव पॉजिटिव ही क्वाड्रेंट 1 है तो वही रहेगा क्वाड्रेंट 1, ठीक है, ओके ओके। अभी थर्ड फोर्थ छोर पर आते हैं, कार्टेशियन सिस्टम के फोर्थ छोर पर आते हैं, दैट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। अच्छा मैंने इधर बताया नहीं क्या, ये है नेगेटिव और नेगेटिव, ठीक है, जैसे कि एक्स एक्सिस पर आप लोग नेगेटिव देख रहे हो, वाई एक्सिस पर भी नेगेटिव ही देख रहे हो, सिमिलरली इधर एक्स एक्सिस पर आपको पॉजिटिव दिखाई दे रहा है और वाई एक्सिस पर नेगेटिव दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना, तो आप लोग क्या इसको डिनोट कर सकते हो, पॉजिटिव और नेगेटिव करके, ठीक है आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली जो चीज मैंने उधर बताया यही चीज इधर लिखा गया है, हम लोग इस पर चले आते हैं, ठीक है हम लोग इस पर चले आते हैं। तो हम लोगों ने जो यहाँ पर देखा कि सपोज हम लोग इधर एक पॉइंट देते हैं, मैं आपको बोलता हूँ कि एक पॉइंट हम लोग इधर लेंगे, ठीक है एक पॉइंट हम लोग इधर लेते हैं, एक सेकेंड इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं और इसको यहाँ पुट करते हैं, ये आपका सपोज एक पॉइंट है, सपोज एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट को आप लोग कैसे डिनोट करोगे, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या रहेगा आपका, सपोज पॉइंट पी है ये, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपका रहेगा क्या रहेगा,
रहेगा आपका वन और वन, ठीक है। मैंने ये मिटा दिया था, ठीक है, मैंने ये मिटा दिया था, इसी वजह से इधर मतलब इधर मिटा नहीं था, उधर मिटा दिया था, इसको इधर ही मिटा देते हैं। देखो माइनस का साइन लगा देते हैं, वैसे रिकॉर्डिंग कितने समय का हुआ है? कोई बात नहीं, देखो ध्यान से देखो, ठीक है। सो ये वाला पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, कौन बताएगा? ये वाला पॉइंट होगा वन और वन, एक्स एक्सिस पर वन है, वाई एक्सिस पर भी वन है, यानी ये होगा वन और वन। सिमिलरली एक पॉइंट इधर लेंगे हम लोग, ठीक है, पॉइंट कहाँ पर लेंगे? इधर लेंगे। सो हम लोग इस पॉइंट को क्या बोल सकते हैं, ये ऐसे करना है थोड़ा सा, वरना पता नहीं चलेगी कहाँ से क्या पॉइंट ले रहे हैं, है ना, थोड़ा सा ऐसे डिनोट करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है। जैसे कि ये वाला इनको मिटा देते हैं, हम इनसे पतले लाइन पतले वाले पेन से करोगे तो सही रहेगा, सपोज ये पॉइंट M है, तो हम लोग इसको कैसे डिनोट करेंगे? हम लोग इसको डिनोट करेंगे, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? कोऑर्डिनेट होगा 2 और -2। 2 है x एक्सिस पर और -2 है y एक्सिस पर, तो सिंपली हमारा ये हो जाएगा 2 और -2। ओके, ऐसे ही हमको आगे के क्वेश्चंस में करना है। ये वाले सारे क्वाड्रेंट्स मैंने आपको बता दिया अभी कि ये वाला पहला क्वाड्रेंट है, ये वाला दूसरा क्वाड्रेंट है, ये वाला तीसरा क्वाड्रेंट है और ये वाला चौथा क्वाड्रेंट है। पहले क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव y पॉजिटिव, तो हमारा कोऑर्डिनेट हो जाएगा पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव y नेगेटिव y पॉजिटिव, तो हमारा कोऑर्डिनेट हो जाएगा नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। क्वाड्रेंट नंबर 3 के अंदर हमारे पास x एक्सिस पर है नेगेटिव और y एक्सिस पर भी है नेगेटिव, तो हमारा क्या हो जाएगा? नेगेटिव नेगेटिव। सिमिलरली क्वाड्रेंट नंबर 4 में हमारे पास है x एक्सिस पर पॉजिटिव और y एक्सिस पर नेगेटिव, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? इसका कोऑर्डिनेट होगा पॉजिटिव नेगेटिव। आगे बढ़ते हैं। ओके, देखो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को देखते हैं, इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस लाए हैं बुक से, एनसीईआरटी से, ठीक है। बोला गया है एब्सिसा, ऑर्डिनेट, ओरिजिन, आई ये सब का है, किस खेत की मूली है ये सब, है? देखो ये है द एक्स कोऑर्डिनेट इज नोन एज एब्सिसा। इसका मतलब क्या है? एब्सिसा का मतलब है एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। ये जो एक्स एक्सिस है इसको हम लोग एब्सिसा बोलते हैं। ये जो वाई एक्सिस है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है। इधर देखो वही बताया गया है, दी एक्स कोऑर्डिनेट इज नोन एज एब्सिसा। जो एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट यानी ये वाला, सपोज नहीं यही वाला एक्स कोऑर्डिनेट है तो ये वाला एब्सिसा हो जाएगा, ये वाला वाई कोऑर्डिनेट है तो ये वाला ऑर्डिनेट हो जाएगा, समझ गए? ओके, इसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस मेजर्ड अलोंग द एक्स एक्सिस, ये क्या है? ये एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है। एब्सिसा एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जो कि
एक्स एक्सिस के द्वारा मेजर किया जाता है वाई एक्सिस से। ओके, एक्स एक्सिस के द्वारा मेजर किया जाता है वाई एक्सिस से। जैसे कि इधर मैं एक पॉइंट लेता हूँ, ठीक है, इधर मैं एक पॉइंट लेता हूँ ये वाला करके थोड़ा सा सीधा कर देते हैं लाइन को, और यहाँ से ये कर लेता है लेता हूँ। ये आ रही है, कोई बात नहीं। खत्म करना पड़ेगा चैप्टर को आज, ठीक है, बस क्वेश्चन ही बाकी रह गए हैं, उसके बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। देखो देखो, ये है ओरिजिन, ये है ओरिजिन, ये जो ओरिजिन बताया गया यही है ओरिजिन, जिसको जिसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, जिसका कोऑर्डिनेट होता है 0 0, ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट होता है 0 0, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट भी, एक्स कोऑर्डिनेट भी 0, वाई कोऑर्डिनेट भी 0, तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट भी 0 0, ठीक है। ओके, तो इधर सपोज मैं एक पॉइंट बताता हूँ, और इधर है 1 और इधर है 2, ठीक है, समझ जाना, जो लेक्चर देखेंगे वही समझ पाएंगे, जो सिर्फ क्लास नोट देखेंगे वो इसको समझ नहीं पाएंगे, समझे, है ना, जो क्लास नोट देखेंगे वो इसको समझ नहीं पाएंगे, बोलेंगे ये क्या डॉट डॉट है ना। तो इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि लेक्चर देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ये 1 है और ये 1 है, तो देखो ये वाला पॉइंट हो जाएगा 1 1, ये वाला पॉइंट हो जाएगा 1 1। सो ये जो है ये एक्स एक्सिस के द्वारा है, मतलब एक्स एक्सिस में है, सो ये इस पॉइंट को हम लोग बोल देंगे एक्सिसा, ठीक है, और ये है हमारे पास वाई एक्सिस पर, तो इस पॉइंट को बोल देंगे ऑर्डिनेट, जैसे कि इधर लिखा दे वाई कोऑर्डिनेट इज नोन एज ऑर्डिनेट, ठीक है, y कोऑर्डिनेट इज नोन एज ऑर्डिनेट, थोड़ा सा कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट में कंफ्यूजन हो सकता है, बट देख लेना ऑर्डिनेट, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है x एक्सिस से, x एक्सिस से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्रिएट करता है, x एक्सिस से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्रिएट करता है टू द y एक्सिस, ठीक है, मेजर अलोंग द y एक्सिस, y एक्सिस से मेजर होता है और x एक्सिस से ये क्रिएट करता है एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। अच्छा जी, यही सब है एब्सिसा और ऑर्डिनेट, एब्सिसा इज एक्स कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट इज वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है, समझ में आ गया, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, ओरिजिन क्या है बेटा, ओरिजिन क्या है, ओरिजिन है द मिड पॉइंट, सॉरी, द मिड पॉइंट और द इंटरसेक्शन पॉइंट वेयर द टू एक्सिस मीट्स इज नोन एज ओरिजिन, इट्स कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज 0 0। जैसे कि ये वाला लाइन जो है मैंने खुद बनाया है, ये बुक में नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, ये बुक में नहीं मिलेगा आपको, द मिड पॉइंट वेयर द बोथ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, या फिर आप लोग इसके जगह लिख सकते हो बोथ एक्सिस, कैसे लिख सकते हो बोथ एक्सिस, एक्सिस इंटरसेक्ट एंड बाइसेक्ट ईच अदर, इट्स कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज 0 0। वही मिड पॉइंट, वो मिड पॉइंट जिस पॉइंट पर, या फिर आप लोग मिड पॉइंट की जगह सिर्फ पॉइंट लिख सकते हो, कुछ ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट पर दोनों एक्सिस मीट करता है और इंटरसेक्ट करता हो और बाइसेक्ट करता हो दोनों को बाइसेक्ट भी करता हो, उनको बोलते हैं, उसी पॉइंट को बोला जाता है ओरिजिन, इसका कोऑर्डिनेट हर वक्त 0 0 रहता है। हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजिशन, ये का आपका बुक का एक एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज से 2 क्वेश्चन है, बस 2 क्वेश्चन के अंदर आपका इतना ज्यादा लेवल को टेस्ट किया जाता है कि आपको पता नहीं चलता, है ना, कि आपको पता नहीं चलता। सो इसी वजह से आज हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं, 2 ही क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन के लिए हम लोग प्रयास बैच में प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है, प्रयास बैच बहुत जल्दी लेक्चर आएंगे, प्रयास बैच के मैं मैथ्स का पहले हाफ सिलेबस कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद हम लोग प्रयास बैच से, मतलब प्रयास बैच में कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे आरडी शर्मा के लिए, आरडी शर्मा से या फिर आर एस अग्रवाल है, बहुत बहुत वैरायटी टाइप ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे,
वो तो रहा बाद का बात, ठीक है, वो तो रहा बाद का बात। तो अभी देखते हैं हम लोग क्वेश्चन, देखते हैं। देखो क्वेश्चन बोला गया कि हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन, कि आप लोग एक टेबल लैम्प के पोजीशन को कैसे डिस्क्राइब करोगे आपके स्टडी टेबल से दूसरे पर्सन। ठीक है, ये देखो बेटा, ठीक है, ये देखो बेटा, मैं अभी ये नहीं बोला कि आप लोग इसको देखो, मैं अभी ये नहीं बोला कि आप लोग इसको देखो, इसको मैं पूरा अभी मिटा दे रहा हूँ, इसको अभी मैं पूरा मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं अभी पूरा मिटा दे रहा हूँ, उसके बाद हम लोग देखेंगे, उसके बाद ये वाला देखेंगे, इसको मैं नहीं बोला अभी पढ़ो, जब ये हम लोग विजुअलाइज कर देंगे उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसको, जब हम लोग विजुअलाइज करेंगे उसके बाद हम लोग इसको पढ़ेंगे, बिल्कुल ठीक है। मैं इसको मिटा दिया है मैंने, ओके, मैंने इसको मिटा दिया है। कुछ लग रहा है, कुछ लग रहा है कि पहले से कुछ था, है कुछ तो नहीं लग रहा है ना, ऐसा देखो क्वेश्चन पढ़ो कि आप लोग कैसे डिस्क्राइब करोगे एक टेबल लैम्प के पोजीशन को आपके स्टडी टेबल से दूसरे पर्सन तक। सपोज आप एक पॉइंट लेते हो एक्स, सॉरी सपोज आप लोग पॉइंट लेते हो, एक बस एक पॉइंट लेते हो आपके, आप लोग इमेजिन करो आपके टेबल लैम्प को एक पॉइंट, और आपके जो ये वाला आपका जो ये वाला टेबल है ना, आपका टेबल को आप लोग क्या इमेजिन करो, आपके टेबल को आप लोग इमेजिन करो एक प्लेन है वो, ठीक है, टेबल को इमेजिन करो एक प्लेन है वो। टेबल को कैसे इमेजिन करना है, एज ए प्लेन, ठीक है, एज ए प्लेन आपको इमेजिन करना है आपके टेबल को। अच्छा प्लेन इमेजिन कर लिया, पूरा प्लेन है टेबल, ठीक है, उसमें से आपका एक पॉइंट इधर आएगा, उसमें से आपका एक पॉइंट इधर आएगा, यहाँ पर जो यहाँ पर आप एक लाइन खींचो, लाइन खींचो टू दी बोथ परपेंडिकुलर लाइंस खींचो टू दी बोथ एजेस, टू एनी एजेस, कोई दो एजेस को सिलेक्ट करो अपने हिसाब से, टेबल के कोई दो एजेस को सिलेक्ट करो, वहां में से आप लोग क्या करो ना, वहां में से आप लोग क्या करो, यहाँ से एक लाइन खींच दो, यहाँ से एक लाइन खींच, या फिर एक जो रस्सी होती है रस्सी से आप लोग क्या कर सकते हो ना, रस्सी बांध सकते हो, पॉइंट पर आप लोग क्या कर सकते हो, एक नेल रख सकते हो, नेल नेल रख सकते हो, और उसी नेल के हेल्प से, उसी नेल के हेल्प से आप लोग एक रस्सी भी बांध सकते हो, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको इधर दिखाता हूँ, ठीक है। सपोज ये आपका क्या है, ये आपका है लैंप, ठीक है, ये आपका लैंप रखा है लैंप, अरे भाई ये आपका लैंप रखा है लैंप, ओके ओके लैंप रखा है, लैंप जब रखा है आप लोग अभी इसको मीजर करो, सपोज ये आपका आया एक्स, सपोज ये आपका एक्स आया, ठीक है, सपोज ये आपका एक्स आया, और सपोज इसको मीजर करो, उसके बाद ये इसको मीजर करो, सपोज ये आपका वाई आया, ठीक है, ये एक्स आया और ये वाई आया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आपका ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट है एक्स वाई या फिर वाई एक्स, वो डिपेंड करता है आपके मीजरमेंट के हिसाब से, आपकी ग्रिड कहाँ पर है उसके हिसाब से ये डिपेंड करता है। बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया बेटा, मैं दोबारा समझाता हूँ, एक टेबल है ये, सपोज एक टेबल है ये, ठीक है, सपोज एक टेबल है ये, ओके, सपोज एक टेबल है, दोबारा ये हो गया, मैं इसको है, और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक पॉइंट डाल रहा हूँ, मैं यहाँ पर एक पॉइंट डाल रहा हूँ, ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट से हमारे पास इधर एक आ रहा है, इधर एक लाइन आ रहा है, लाइन खींच लो एक यहाँ में से यहाँ तक, टेबल को एक प्लेन इमेजिन करो, पॉइंट पर आप लोग टेबल लैम्प को इमेजिन करो, टेबल लैम्प को इमेजिन करो, इमेजिन कर लिया बेटा टेबल लैम्प को, ठीक है, देखो ऐसे इमेजिन करके हमको चलना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे इमेजिन करके हमको चलना पड़ेगा।
सिमिलरली इसके लिए भी हम लोग कर देते हैं इसको। हाँ जी बच्चों, बिल्कुल अभी देखो क्या करोगे, अभी देखो क्या करोगे, अभी ना आप इसको मीजर करो, आपके टेबल लैंप से, आपका ये टेबल लैंप है, टेबल लैंप से आपके ये वाले एज को मीजर करो, कितना हो रहा है। सपोज एक्स हो रहा है, सपोज एक्स हो रहा है लोंगर वाला, और अभी शॉर्टर वाले को मीजर करो, शॉर्टर वाला सपोज वाई हो रहा है, सपोज वाई हो रहा है, सो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा, इसका पोजीशन हो जाएगा एक्स वाई या फिर वाई एक्स। ये डिपेंड करता है आपके आपके लेट के हिसाब से, आपने कैसा लेट किया है, वाई एक्स भी हो सकता है, ठीक है, वाई एक्स भी हो सकता है, आपके देखने के हिसाब से। आप अगर इसको एक्स कंसीडर करोगे, इस लाइन को एक्स कंसीडर करोगे तो ये एक्स वाई होगा, इस लाइन को अगर एक्स कंसीडर करोगे तो ये वाई एक्स होगा। समझ गए बेटा, अच्छे से समझ गए बेटा। अभी मैं इसको मिटा देता हूँ और देखता हूँ कि क्या बोला गया है इधर, ठीक है। अभी मैं इसको पूरा अच्छे तरीके से मिटा देता हूँ कि क्या बोला गया था इधर। चीज जो मैंने आपको समझाई ना, सिमिलर चीज इधर लिखा गया है, मैंने जो आपको समझाया सिमिलर चीज इधर लिखा गया है। क्या लिखा गया है कि लेट द लैंप बी ए पॉइंट, लैंप को एक पॉइंट कंसिडर करो, और एक प्लेन को, और एक वो जो टेबल है उसको एक प्लेन कंसिडर करो, ठीक है, उसको एक प्लेन कंसिडर करो। टेक एनी टू परपेंडिकुलर एजेस ऑफ द टेबल, कोई दो परपेंडिकुलर एजेस को लो टेबल के, ये एक परपेंडिकुलर क्रिएट कर रहा है कि नहीं, ये एक परपेंडिकुलर क्रिएट कर रहा है या फिर नहीं। हाँ जी परपेंडिकुलर एक क्रिएट कर रहा है, तो कोई दो परपेंडिकुलर एजेस को लो टेबल के और मीजर करो डिस्टेंस ऑफ द लैंप फ्रॉम द लॉन्गर साइड, ये लॉन्गर साइड है ना, लॉन्गर साइड को डिस्टेंस को मीजर करो, सपोज एक्स, सपोज एक्स, और शॉर्टर साइड से मीजर करो सपोज वाई से एक्स। नाउ मीजर द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑफ द लैंप फ्रॉम the shorter side say y, you can write the position of the lamp as x y or y x depending on the order you fix, जैसा order आप fix कर रहे हो उसी तरीके से आप लोग इसको denote कर सकते हो। बात को समझो बेटा, अगर आप लोग इसको इसको x और y ना लेके हम लोग अगर इसको x और y ना लेकर हम लोग अगर इसको क्या लें, हम लोग अगर इसको अगर इसको ए और बी कंसिडर करेंगे, सिर्फ लेंथ की बात कर रहा हूँ बेटा, सिर्फ लेंथ की बात कर रहा हूँ, और इस एक्सिस को आप लोग एक्स एक्सिस कंसिडर करो और इस एक्सिस को आप लोग वाई एक्सिस कंसिडर करो, अपने पीओवी अपने दिमाग में सोचो बेटा, अपने दिमाग में सोचो, आपके आंख के सामने वाला इमेज आना चाहिए कि आप लोग टेबल के सामने बैठे हो और ये वाला जो लाइन है ये वाला एक्स आपके पास कंसिडर कर रहे हो और ये वाला वाई कंसिडर कर रहे हो, जैसे नंबर लाइन के अंदर होता है, ठीक है। उसके बाद क्या करो ना, उसके बाद आप लोगों का जो कोऑर्डिनेट, ये वाला कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ये वाला कोऑर्डिनेट हो जाएगा ए बी, ए बी। अगर आप लोग यहाँ पर इसको एक्स कंसिडर करके इसको वाई कंसिडर करना चाहते हो तो आपका कोऑर्डिनेट हो जाएगा ये वाला बी और ए, समझ गए, समझ गए, बी और ए हो जाएगा, ओके। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी और एक क्वेश्चन दिया गया है आपके बुक के अंदर, एक और क्वेश्चन दिया गया है आपके बुक के अंदर, ए सिटी हैज टू मेन रोड्स व्हिच क्रॉस ईच अदर। थोड़ा थोड़ा पार्ट पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा ड्राइंग को देखेंगे, ये देखो ये वाला ड्राइंग है ना, थोड़ा थोड़ा पार्ट पढ़ के ड्राइंग को समझेंगे। एक सिटी बोला गया है, हाँ बेटा समझ गए, एक सिटी बोला गया है हैज टू मेन रोड्स, जिसके पास दो मेन रोड्स हैं, विच क्रॉस ईच अदर एट सेंटर ऑफ द सिटी, सिटी के सेंटर में दो क्रॉस करते हैं। क्या दो मेन रोड हमारे पास हैं? हाँ जी, ये एक मेन रोड है, ये एक मेन रोड है,
अच्छा उसके बाद पढ़ते हैं, दीज टू रोड्स आर डू अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ये जो रोड्स हैं ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है। क्या है क्या है क्या, ये देखो नॉर्थ और ये देखो साउथ, ये देखो ईस्ट और ये देखो वेस्ट, है ना। और ये सीगा यानी सीगा मतलब है सेंटर ऑफ द सिटी। ऑल अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स एंड आर 200 मीटर अपार्ट। ये जो सिटीज हैं ये 200 मीटर अपार्ट है, ठीक है। ये जो स्ट्रीट्स हैं ये 200 मीटर अपार्ट है, कुछ इस तरीके से इसका जो लेंथ हो जाएगा ये हो जाएगा 200 मीटर। ओके बिल्कुल समझ गए बेटा, हाँ 200 मीटर अपार्ट। देर आर 5 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन, हर एक डायरेक्शन के अंदर 5 स्ट्रीट्स हैं। जैसे कि इस डायरेक्शन के अंदर, ये वाला डायरेक्शन के अंदर यानी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के अंदर 5 स्ट्रीट्स हैं और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अंदर 5 स्ट्रीट्स हैं, पैरेलली रन करते हैं ईच अदर। अच्छा उसके बाद ड्रो ए मॉडल ऑफ द सिटी ऑन योर नोटबुक, अपने नोटबुक के अंदर एक इस ये जो बोला गया सिचुएशन का ड्राइंग करो, सिटी का जो है एक मॉडल बनाओ। रिप्रेजेंट द रोड्स और स्ट्रीट्स बाय सिंगल लाइंस, सिंगल लाइंस के हिसाब से आप लोग रोड और स्ट्रीट को रिप्रेजेंट करो। देयर आर मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल, अब देखो मॉडल को विजुअलाइज करो, बहुत सारे क्रॉस स्ट्रीट्स हैं। क्रॉस स्ट्रीट्स यानी जो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हो। ए पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय टू स्ट्रीट, एक पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट बना तब है जब दो स्ट्रीट क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद वन रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड अनदर इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, एक क्रॉस स्ट्रीट तब फॉर्म हो रही है जब दो क्रॉस स्ट्रीट ईच अदर को क्रॉस कर रही है। समझ भी नहीं आया, मैं समझाता हूँ। देखो क्रॉस स्ट्रीट इसको बोला जाता है जब एक स्ट्रीट और ये एक स्ट्रीट दोनों को क्रॉस करती हैं, जब एक स्ट्रीट और दो स्ट्रीट मिलते हैं तभी तो क्रॉस स्ट्रीट फॉर्म होगा ना बेटा, वरना तो नहीं होगा। तो इधर बोला गया सपोज स्ट्रीट वन और यहाँ से स्ट्रीट फाइव को लेंगे, स्ट्रीट वन और स्ट्रीट फाइव को लेंगे तो यहाँ पर एक स्ट्रीट ऐसे फॉर्म हो रहा है बेटा, ठीक है बेटा, यहाँ पर एक स्ट्रीट ऐसे फॉर्म हो रहा है और यहाँ से एक स्ट्रीट ऐसे फॉर्म हो रहा है ना, है ना। हाँ अच्छा, तो सिमिलरली वे से हम लोग इसको कर सकते हैं। और बोला गया है ईच इस क्रॉस स्ट्रीट इज रेफर्ड टू इन द फॉलोइंग मैनर, इफ द सेकंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड फिफ्थ स्ट्रीट इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन मीट एट सम क्रॉसिंग देन वी विल कॉल दिस क्रॉस स्ट्रीट 25। ठीक है देखो देखो अच्छे से देखो, सही से समझो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, अच्छा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन कौन सा है, ये वाला डायरेक्शन है, इसमें से सेकेंड स्ट्रीट बोला गया है, सेकेंड स्ट्रीट यानी ये वाला स्ट्रीट, ठीक है। अगर सेकेंड स्ट्रीट रन कर रहा है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अंदर और फिफ्थ नंबर स्ट्रीट रन कर रहा है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के अंदर, ये जो फिफ्थ वाला स्ट्रीट है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के अंदर रन कर रहा है, सो देन वी विल कॉल दिस क्रॉस स्ट्रीट 25। तो हम लोग इस क्रॉस स्ट्रीट को 25 कॉल करेंगे जो कि इधर दिया गया है, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग फाइंड करो हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर टू एज 43, कितने क्रॉस स्ट्रीट्स को हम लोग 43 रेफर कर सकते हैं बेटा, एक ही तो क्रॉस स्ट्रीट होगा, तो वो कौन सा क्रॉस स्ट्रीट होगा और कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर टू एज 3-4, एक ही होगा बट कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कौन सा होगा, ठीक है। देखो कुछ ऐसे ही हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे इधर फिगर में दिया गया है, ये यूनिकली फॉर्म्ड है। आपके एनसीईआरटी बुक में एक वर्ड दिया गया है इधर कि they are uniquely found because of the two reference line we have used for locating them, ye jo points hai inko hum log uniquely humko mila hai because of the two reference line hum log ne idhar banaya hai, ye two reference line agar hum log nahi banate to ye point nahi pate, samajh gaye, ha okay 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 ha, so abhi kya karenge, abhi isko
ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ये वाला एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया। अभी दूसरे एक्सरसाइज के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ये कुछ एग्जांपल क्वेश्चन से देखो, ये एक आपके पास ग्राफ है, कार्टेशियन प्लेन का एक ग्राफ है आपके पास, है ना। टाइम 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 देखते हैं, टाइम ओके कोई बात नहीं। अभी चलो, सी द फॉलोइंग फिगर एंड कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस फिगर को देखो और स्टेटमेंट उसको कंप्लीट करो। ये फिगर देखो कुछ ऐसे दिया गया है, एल वाला ऐसा है, कुछ ऐसे दिया गया है, ठीक है। देखो हम लोग सॉल्व करेंगे साथ साथ में। द एब्सिसा एंड द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट बी आर, समझ से देख कर पढ़ो, एक लाइन पूरा पढ़ते हैं। द एब्सिसा एंड द ऑर्डिनेट, एब्सिसा का मतलब क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट का मतलब क्या है, वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो एब्सिसा यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट पॉइंट बी के बारे में पूछ रहा है, पॉइंट बी ये वाला है, ये वाला पॉइंट बी है, तो x कोऑर्डिनेट कौन सा है, x कोऑर्डिनेट ये वाला है यानी एब्सिसा, y कोऑर्डिनेट कौन सा है, ये वाला है यानी ऑर्डिनेट। हेंस द सॉरी डैश एंड डैश रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली यानी एब्सिसा इधर लिखना होगा, ऑर्डिनेट इधर लिखना होगा। एब्सिसा कौन सा है बेटा, एब्सिसा कौन सा है, फोर है और ऑर्डिनेट थ्री है। ये वाला इधर फोर लिख देंगे, ये वाला इधर थ्री लिख देंगे, सपोज आई मीन कंप्लीट, ठीक है, ऐसे ही। और इधर बोला गया कि हेंस द कोऑर्डिनेट ऑफ द बी आर, इसीलिए कोऑर्डिनेट क्या होगा, 4 3 हो जाएगा। समझ में आया, समझ में आया, अगर नहीं आया तो इस क्वेश्चन में जरूर आ जाएगा। द एक्स कोऑर्डिनेट एंड द वाई कोऑर्डिनेट, इधर एब्सिसा बोला है, इधर उसी का रिवर्स दिया गया है कि एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो एक्स कोऑर्डिनेट देखो, देख लो एक्स कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट m बोला गया है। पॉइंट m कहाँ है, पॉइंट m ये वाला है। सो यहाँ पर x कोऑर्डिनेट कौन सा है, -3, y कोऑर्डिनेट कौन सा है, +4, तो इधर लिख देंगे r -3 एंड +4 रिस्पेक्टिवली यानी जो पहले बोला है वो पहले डैश में लिखेंगे, जो बाद में बोला गया है वो बाद के डैश में लिखेंगे। हेंस द कोऑर्डिनेट्स आर, हेंस दी कोऑर्डिनेट्स आर -3 और 4। सिमिलरली आप लोग इनको भी सॉल्व कर देना, ये आपका होमवर्क है, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, बिल्कुल हार्ड क्वेश्चन नहीं है। सिमिलर वैसे आप लोग इनको कर सकते हो, इधर बस पूछा गया है एल का कौन सा है और एस का कौन सा है, कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स मार्क्ड ऑन द एक्सिस इन द गिवन फिगर। अच्छा जी, ये एक्सिस के अंदर जो जो पॉइंट्स दिए गए हैं उन पॉइंट्स के बस कोऑर्डिनेट्स हमको लिखने हैं। देखो कैसे लिखना है, कितने दिए गए हैं, 1 2 3 4 5, देखो पांचों के पांचों में बताता हूँ। पहले ए से शुरू करते हैं, पहले ए से शुरू करते हैं। ए का कौन सा होगा बताना जरा मेरे को, ए का कौन सा होगा, ये देखो ए का किस पॉइंट पर है, ए इस वाले पॉइंट पर है ना, इस वाले पॉइंट पर है ना। तो यहाँ पर मेरे को बताओ कि एक्स एक्सिस कौन सा है, आई मीन एब्सिसा कौन सा है, यहाँ पर एब्सिसा कौन सा है, यहाँ पर एब्सिसा है 4 है इसका एब्सिसा, तो 4 आगे रहेगा इसका कोऑर्डिनेट, एब्सिसा 4 है यानी 4 आगे रहेगा। और वाई कोऑर्डिनेट तो 0 है बेटा, वाई कोऑर्डिनेट तो 0 है, तो यहाँ पर वाई में 0 रहेगा, तो यही हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेट। अभी देखते हैं बी कोऑर्डिनेट को, ओके अभी देखते हैं बी कोऑर्डिनेट को, देख लो तसल्ली से देख लो। यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट कितना है बेटा, एब्सिसा कितना है, एब्सिसा 0 है। यहाँ पर क्या किसी पॉइंट के ऊपर, क्या किसी नंबर के ऊपर पॉइंट लगा है, नहीं लगा है, यानी यहाँ पर एब्सिसा 0 है। सिमिलरली यहाँ पर ऑर्डिनेट क्या है, ऑर्डिनेट है हमारे पास, ऑर्डिनेट है 3, देख लो 3 है ऑर्डिनेट, सो इधर लिखेंगे 0 3, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 3। नंबर सी करते हैं, नंबर सी दिया गया है, देखो ऐसा दिया गया है, ये है, ये क्या है, ये है नंबर लाइन में, ये देखो क्या इधर ऑर्डिनेट 0 है, बिल्कुल 0 है ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट यानी y axis, ठीक है। और x axis कौन सा है, x axis -5 है, तो -5 लिख दो और 0 लिख दो, खत्म बात,
खत्म बात, बिल्कुल ठीक है। अभी जाते हैं डी नंबर पर, नंबर डी पर जाते हैं, बहुत ज्यादा हलवा चैप्टर है भाई। ठीक है, देखो नंबर डी, नंबर डी बोला गया है सॉरी, नंबर डी बोला गया है, देखो किधर किधर है, ये वाई है, ये वाई वाला नंबर, मतलब ये क्या है, ये ऑर्डिनेट है, ऑर्डिनेट हमको पता है -4 है क्या, यहाँ पर एब्सिसा 0 है क्या, कहीं कहीं पर एब्सिसा 0 है, हाँ भाई एब्सिसा तो 0 है, तो पहले 0 लिखेंगे, पहले एब्सिसा रहेगा, ये याद रखना हर वक्त, और इसके बाद -4, समझ गए समझ गए, ऐसे होगा। लास्ट नंबर देखते हैं, नंबर ई, नंबर ई क्या है, नंबर ई है हमारे पास, नंबर ई है 1 और 1, 1 और 1 है क्या, नहीं है बिल्कुल, तो यहाँ पर एब्सिसा कौन सा है, एब्सिसा 1 है, तो ये आगे रहेगा, और ऑर्डिनेट कौन सा है, ऑर्डिनेट कोई सा भी नहीं है, यानी 0 रहेगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा, कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 1 और 0, 1 और 0। ठीक है, इधर मैंने एक पॉइंट छोड़ा था ताकि अगर जगह नहीं होगा तो लिख सकते हो, बाकी इसका कोई काम नहीं आया, इसको डिलीट कर देते हैं। अभी इतने सारे क्वेश्चंस का आंसर कैसे दें, ठीक है आप लोग क्वेश्चंस को विजुअलाइज करो बेटा, क्वेश्चंस को विजुअलाइज करो, आंसर देना मेरा काम है, आपका भी काम है। चलो बेटा, क्या दिया गया है इधर, क्या दिया गया है कि राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन जो ड्रॉ किया जाता है कार्टेशियन प्लेन के अंदर, ठीक है, कार्टेशियन प्लेन के अंदर कोई सा भी पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए, किसी भी पॉइंट की किसी भी पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए, तो उन लाइंस का नाम क्या है, हॉरिजॉन्टल का नाम क्या है, हॉरिजॉन्टल का नाम है हमारे पास ये वाला है ना, हॉरिजॉन्टल ये वाला है ना, तो हॉरिजॉन्टल का नाम है एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, ठीक है। सिमिलरली लिखोगे आप लोग फॉर वर्टिकल नंबर लाइन, वर्टिकल नंबर लाइन यानी ये वाला, वर्टिकल लाइन यानी ये वाला, ठीक है ये वाला, तो ये वाला आ जाएगा वाई एक्सिस, वाई एक्सिस आ जाएगा, समझ गए बेटा, वाई एक्सिस आ जाएगा, ठीक है बिल्कुल समझ गए, हाँ जी बिल्कुल। अच्छा अभी चलते हैं हम लोग, अभी चलते हैं, इधर नहीं जाना था, हाँ इधर ही जाना था। देखो ये 1 नंबर क्लियर हो गया, नंबर 2 पर आते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्मड बाय दीज टू लाइन, यही दो टू लाइन के द्वारा जो 4 प्लेन फॉर्म होते हैं उनका नाम बताओ, 4 प्लेन कौन से फॉर्म होते हैं, 4 प्लेन फॉर्म होते हैं, क्वाड्रेंट 1 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट 2, ऐसे मैं लिख रहा हूँ शॉर्ट में बट आप मत लिखना, क्वाड्रेंट 2 पूरा पूरा लिखना, ठीक है क्वाड्रेंट 3, ठीक है क्वाड्रेंट 3, 1 2 3, उसके बाद क्वाड्रेंट 4, ठीक है क्वाड्रेंट 4, अरे भाई ओके, यही 4 क्वाड्रेंट हमारे पास होते हैं ना, मैं बस शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ, आप अच्छे से लिख देना, इसमें पॉजिटिव पॉजिटिव रहता है, इसमें इसमें नेगेटिव पॉजिटिव रहता है, इसमें इसमें नेगेटिव नेगेटिव रहता है, और इसमें पॉजिटिव नेगेटिव रहता है, समझ गए ना, समझ गए ना, बिल्कुल ऐसे ही होता है।
अभी क्या होगा, राइट, ये वाला भी सॉल्व हो गया. राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट. यही दो लाइन कहां पर इंटरसेक्ट होते हैं बेटा? ओरिजिन पर. ओरिजिन लिखो, ओरिजिन जिसका कोऑर्डिनेट रहता है, ये पूछा नहीं गया है बट लिख देना कि 0 0, कोऑर्डिनेट इक्वल टू 0 0. पूछा नहीं गया ना, मैंने बस बता दिया, लिख देना आप अगर लिख सकते हो. आई थिंक ये लास्ट, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, उसके बाद आपका, आपका ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद आपका ये खत्म हो जाएगा क्लास बिल्कुल, ठीक है? ओके, देखो नंबर 4, सी दिस फिगर एंड दी आंसर दी फॉलोइंग. ठीक है, इस फिगर को देखकर आंसर करो. बस ये वाला फिगर दिया गया है, थोड़ा सा चेंज रहा है फिगर, थोड़ा सा बदल बदल गया है फिगर, और हमको फिगर देखकर आंसर देना है. क्या पूछा गया है पहले क्वेश्चन में? द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, बी का कोऑर्डिनेट्स हमको बताना होगा. ठीक है, बी का कोऑर्डिनेट्स बताएंगे, इधर ही लिख देते हैं, सॉल्यूशन साइड की कोई जरूरत नहीं है. बी का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा बेटा? एब्सिस पर -5 है और ऑर्डिनेट पर 2 है, तो -5 और 2 लिखेंगे. ठीक है, -5 और 2 लिखेंगे. उसके बाद द कोऑर्डिनेट्स ऑफ नंबर, ये सॉल्व हो गया. उसके बाद द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, सी का कोऑर्डिनेट क्या है? एब्सिसा पर 5 है, ऑर्डिनेट पर -5 है, तो लिखेंगे क्या? 5 और -5, ऑलवेज एब्सिसा फर्स्ट. ठीक है, ऑलवेज एब्सिसा फर्स्ट मैथमेटिक्स के अंदर. रियल लाइफ में लेडीज फर्स्ट बोलते हो, मैथमेटिक्स के अंदर एब्सिसा फर्स्ट. ठीक है, ओके. उसके बाद द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाई द कोऑर्डिनेट्स 2 और -4, वो पॉइंट का नाम बताना है जो पॉइंट फॉर्म करता है 2 -4. 2 यानी एब्सिसा, 2 यानी एब्सिसा, -4. इधर एक चीज आपको हेल्प करेगा आपके क्वाड्रेंट याद रखने में कि देखो 2 है पॉजिटिव है, -4 है आपका नेगेटिव है. पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ पर रहता है? फोर्थ क्वाड्रेंट पर, तो फोर्थ क्वाड्रेंट पर आपका नजर ज्यादा जाएगा. ठीक है, इस पर नजर आते ही फोर्थ क्वाड्रेंट पर नजर जाएगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट पर नजर जाते ही आपको ये दिख जाएगा पॉइंट नंबर जी. ठीक है, एब्सिसा पर 2 है, ऑर्डिनेट पर -4 है, तो इधर क्या आएगा? इधर आएगा 2 और -4. ओके, उसके बाद दी एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी, पॉइंट डी का बस एब्सिसा बताना है हमको. दी एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी, पॉइंट डी का बस एब्सिसा बताना है. एब्सिसा कौन सा है बेटा? एब्सिसा 6 है, तो एब्सिसा लिख देंगे 6. अभी पूछा गया है दी ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच, पॉइंट एच का ऑर्डिनेट क्या है? पॉइंट एच का ऑर्डिनेट बस बताना है, ऑर्डिनेट यानी ये वाला एक्स वाई एक्सिस पर जो है, दैट इज -3. द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एल, पॉइंट एल के कोऑर्डिनेट्स हमको बताने हैं. पॉइंट एल कहाँ है बेटा? ढूंढो, थोड़ा सा ढूंढो. ये रहा, मिल गया, मिल गया ना. देखो अभी देखो, इधर एब्सिसा है 0, क्या इधर कहीं पर किसी नंबर, इतने जितने भी इधर नंबर दिख रहे हैं इसके ऊपर क्या कोई पॉइंट है? नहीं है, तो ये एब्सिसा 0 हो गया. पहले 0 लिख दो. उसके बाद पूछा गया है क्या? उसके बाद लिख, उसके बाद इधर है हमारे पास ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट पर हमारे पास -5 है, तो 5 लिख दो, 0 और 5 हो जाएगा इनके कोऑर्डिनेट्स. उसके बाद आता है 7 नंबर, 7 नंबर पर हमारे पास है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एम, पॉइंट एम के कोऑर्डिनेट्स पूछे गए हैं, है ना? पॉइंट एम के कोऑर्डिनेट्स पूछे गए हैं, पॉइंट एम ढूंढो, ढूंढो पॉइंट एम है क्या? इधर पॉइंट एम है क्या? है क्या? मेरे को मिल ना रहा पॉइंट एम है. एक सेकेंड, लेट मी चेक इन द बुक. पॉइंट एम तो मेरे को मिल ना रहा. हाँ, मैंने पॉइंट एम लिखना भूल गया आई थिंक. हाँ, पॉइंट एम इधर होगा, सॉरी मैंने थोड़ा सा पॉइंट एम लिखने में गड़बड़ी कर दिया है. इधर पॉइंट एम रहेगा. पॉइंट एम में कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? पॉइंट एम के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? एब्सिसा कितना है? एब्सिसा -3 है. क्या क्या वाई एक्सिस पर जितने भी नंबर है वहां पर आपको
सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर वाई एक्सिस पर जितने भी नंबर से क्या आपको कहीं पर भी पॉइंट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो ये जीरो हो जाएगा, ऑर्डिनेट जीरो है, तो हमारा जवाब होगा -3 और 0। बस खत्म, खत्म कहानी, खत्म कहानी। समझ में आया, समझ में आया, आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, सब कुछ समझ में आया नहीं आया, बताओ जरा बच्चों, बताओ जरा मेरे को समझ में आया कि नहीं आया। बस हाँ, मेरे को बता दो कि समझ में आया कि नहीं आया है ना बिल्कुल, ये वाला चैप्टर, चैप्टर बिल्कुल समझ में आ गया हमको, ठीक है, बिल्कुल चैप्टर समझ में आ गया अच्छी तरीके से, अच्छे तरीके से चैप्टर समझ में आ गया, तो क्या लिखोगे, चैप्टर समझ में आ गया लिख दोगे, देखो ठीक है भाई, चैप्टर बोल रहा है हमको, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर बोल रहा है हमको कि ठीक है भाई अब मैं चलता हूँ, हमको भूल मत जाना, हमको भूल मत जाना, बिल्कुल ये चैप्टर हलवा चैप्टर होने से ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इस चैप्टर के कुछ कॉन्सेप्ट आपको क्लास 10th में भी काम आने वाले हैं, तो इस ये वाला चैप्टर को अच्छे तरीके से रिविजन के लिए हम लोग प्रयास बैच में कोशिश करेंगे, प्रयास बैच के अंदर हम लोग इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। बाकी इस चैप्टर का जब टेस्ट आएगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, वेबसाइट पर भी चेक कर लेना अनाउंसमेंट वाला सेक्शन, ठीक है। अच्छा जी, तो इसीलिए यहीं पर हम लोग का सफर रखते हैं, मतलब इस चैप्टर का, ठीक है, इस चैप्टर का सफर यहीं पर खत्म होता है, बाकी मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है, नेक्स्ट चैप्टर है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, जो कि खुद में ही एक बहुत ज्यादा हलवा चैप्टर है, बहुत ज्यादा इजी चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और इसको हम लोग 2-3 लेक्चर्स के अंदर कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, मेरे हिसाब से 2-3 लेक्चर्स के अंदर इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है, बहुत ज़्यादा ईजी चैप्टर है ये हमारा, क्लास एट का जो सेकंड चैप्टर था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, उसका बड़ा भाई है ये, बट बहुत ज़्यादा ईजी है, ओके, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको देख लेंगे। अभी अगर कुछ भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हो, और हमारे वेबसाइट के अंदर, हमारे वेबसाइट के अंदर जो भी कम्युनिटी सेक्शन है वहाँ पर क्वेश्चन आंसर पर पूछ सकते हो, और टेलीग्राम के अंदर जो ग्रुप बनाया गया है टक्कर बैच का, वहाँ पर भी आप लोग डाउट पूछ सकते हो, आपके डाउट का जल्दी से जल्दी आंसर कर देने की कोशिश की जाएगी। सो मिलेंगे आपके साथ, अब बहुत ज़्यादा देर हो चुके हैं, हाँ मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद द वंडरिंग, बाय बाय।